हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी डोसा की रेसिपी। तो डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कंटेनर लेंगे। उसमें मैंने लिया है, मैंने एक बाउल उड़द दाल ली है। उसी मेजरमेंट के हिसाब से हम 3 बाउल चावल के लेंगे। घाल बनाते वक्त ध्यान रहे डोसा की घाल में एक हिस्सा दाल का होता है तो 3 हिस्से चावल के होते हैं। एक छोटे बाउल के हिसाब से मैंने चना दाल ले ली है। 2-3 टेबल स्पून मैंने मेथी दाना ले लिया है। इस मिक्सचर को हम 7 से 8 घंटा तक भिगोएंगे। ये भीग चुका है, अब हम एक जार में डालेंगे। उसके बाद इसको बंद करके ग्राइंड करेंगे। इस तरह हमें स्मूथ सा पेस्ट रेडी करना है। हमें हल्का हल्का पानी डाल के ग्राइंड करना है और ध्यान रखना कि हमारा ग्राइंडर गरम ना हो। देखिए कितना अच्छा फर्मेंट हुआ है। मैंने इसको बड़े बाउल के अंदर रात को ढक्कन लगा के रख दिया। सुबह तक देखिए ये फूल के कितनी अच्छी हो गई है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम प्याज को सोते करेंगे, हल्दी और नमक ऐड करेंगे। उसके बाद अब हम अदरक मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से मिलाएंगे। ये हम मसाला का डोसा प्रिपेयर कर रहे हैं, इसके अंदर हमने आलू बॉईल करके मैश करके रखा है वो ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे रेड मिर्ची पाउडर। उसके बाद इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। देखिए हमारा मसाला प्रिपेयर हो चुका है। अब हम एक डोसा का तवा लेंगे, उस पर हम कटोरी की हेल्प से इसको फैलाएंगे। देखिए ये कितना अच्छे से फैल रहा है। डोसा बनाने से पहले हमें ध्यान रखना है हमारी जो बैटर है फ्लोइंग रहना चाहिए और उसमें नमक ऐड करके हमें डोसा रेडी करना है। तो अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ घी। आप चाहो तो इसके ऊपर घी या बटर का यूज़ कर सकते हो। अब हमें इसके साइड कॉर्नर्स को इससे सेपरेट करना पड़ेगा। और आलू का मसाला मैंने इसके अंदर स्टफिंग की है। देखिए हमारा कितना क्रंची डोसा रेडी हो चुका है। मैंने इसको दाल और चटनी के साथ सर्व किया है। तो चटनी की रेसिपी देखने के लिए मेरा प्रीवियस वीडियो देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।